एवरीवन, गुड हेलो। मॉर्निंग। अपनी आंख तो दिखाओ, इनकी आंखों में 2-3 दिन से क्या तो आगे देखो, आपने सूजन सूजन आ रखी है। हाँ, वो मारा, पंच मारा है। पंच मारा मैं बहुत जोर का। तो आज हम जा रहे हैं हल्द्वानी, मायके जा रहे हैं। टाइम कितना हो गया, अभी 8 बज गया, अभी 7:30 बजे उठ रहे हैं लगा लो। तो अभी पैकिंग करनी, पैकिंग कुछ भी नहीं करी है, कुछ भी नहीं। कश बहुत देर में सोए, मतलब लगभग बज गया होगा 12, कितना बज गया था, 12:30-1 बज गया था ना। हाँ, हाँ, 12:30-1 बज गया था तब सोई है। बस अभी जल्दी से ये सुबह काढ़ा पीते हैं हम लोग। ये दिख रहा है आपको, ये इसमें डाल रखा है अदरक, काली मिर्च बस, और चीनी डाल रखी है। तो सर काढ़ा पीते हैं सुबह सुबह। इसको पीने के बाद थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगाते हैं। और आज फिर से घर में हरेला बन रहा है। हरेला मतलब वही क्या, हल्दी डाल करके। मम्मी को बताया वैसे उसकी पूरी रेसिपी। ये देखो, जो कच्ची हल्दी होती है ना, उसको ऐसे पीस करके और आटा और थोड़ा सा सूजी मिला करके उसको हलवा जैसा बनता है, गीला गीला बनता है लेकिन ये। तो वो बन रहा है नाश्ते में। तो चलो फिर जल्दी से ना काढ़ा वाढ़ा पी लेते हैं, फिर उसके बाद पैकिंग करनी है। अब तो पैकिंग 3 लोगों की होगी, क्योंकि हम 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं हल्द्वानी। मेरा पेपर भी है इस बीच में, तो वो करेंगे क्या, पैकिंग करनी सुबह के। ओह, नीचे से आ रही है बेबी, क्योंकि यार 1 बज गया था सोते सोते, फिर सुबह 3 बजे उठ गई थी एडिटिंग करने के लिए। ऐसे हो रहा है आजकल सोने का। तो शुभी की पैकिंग करनी है, इनकी पैकिंग करनी है, अपनी पैकिंग करनी है, और लेके जाना है। ये बोल रहे कि एक ही ट्रॉली बैग लेके जाएंगे, ज़्यादा लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि हमेशा बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरा सामान तो देखते हैं कैसे होता है। चलो फिर जल्दी से ना काढ़ा पी लेती हूँ, फिर मिलूंगी आपको सीधा पैकिंग करते समय। तो नाश्ता बन के तैयार हो गया है। आज नाश्ते बना हुआ है हरेला। ये रही मम्मी, ये रही नेगी जी, और ये रहे पापा। अब होगी इसमें से किशमिश की छटाई, क्योंकि मैं किशमिश बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। ये रहो मम्मी, चलो फाइनली। अभी तो नहीं दिख रहे मुझे, दिखेंगे तो फिर मम्मी के इसमें डाल दूंगी। इसमें हल्दी डालते हैं, इसलिए हल्का पीला पीला जैसा दिख रहा होगा आपको। हल्दी से गर्म होता है, टेस्टी हो रहा है। हल्दी, अजवाइन, सौंफ और गुड़, मीठे में इसमें गुड़ डाल रखा है, चीनी नहीं डाली, गुड़। और ड्राई फ्रूट्स में गोले, किशमिश, काजू और बादाम, और अजवाइन भी डाल रखा है, अजवाइन, सौंफ, सौंफ भी। हाँ, और सूजी और आटा। कढ़ाई भी काटी हुई है। कढ़ाई डालू, मम्मी ने सब चाट दिया आज। ये तभी तो कढ़ाई की तरह मोटी हो रही हूँ। तभी तो कहेंगे खाते पीते, स्टार्टिंग में दिखाया खाते पीते घर की, मम्मी कैसे पतली हुई। अब मम्मी का राज मोटापा का ये है। अब मोटापा का राज मोटे कैसे होते हैं, सीजन के हिसाब से बदलती है मम्मी। आजकल खाने पीने का सीजन है। सबसे सुपर फास्ट तो ये खाते हैं नेगी जी। पहली बार नेगी जी ने कह रखा है कि अब मैं नहीं खाता हूँ। हाँ, वरना ये कहते हैं और खाता हूँ और खाता हूँ। अब इसको पता चल गया मैं ज्यादा खाता हूँ, फिर मेरे को वो चीज बिछ जाती है। मैंने बेटी को देख लिया ना अपना, ज्यादा खाते हुए। तब चला तेरे को बता। हेलो दगड़ियों, नमस्कार। पहला और छोटे को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। और कैसे आप लोग, उम्मीद करने की सब लोग ठीक है नला। मेरा बिल्कुल ठीक छो। और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मिसेस पूनम पंकज नेगी पे। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें बता दूं, मैं हूँ पूनम बिश नेगी, उत्तराखंड की जिला नैनीताल कोटाबाग से। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है 11:30 बजे। वैसे तो थोड़ी बहुत स्टार्टिंग सुबह से ही हो जाती है। नेगी जी और मम्मी बैठे हुए हैं शुभी के पास उसे खिलाने में। ये है हमारा शुभू बच्चा, ये हमारा शुभू बच्चा, शुभू बच्चा, शुभू बच्चा है हमारा, ये शुभू बच्चा। अरे बाप रे, रुको आपको दिखाते हैं। ये देखो पापा इतनी बड़ी मूली लेके आ गए।
आज हम लोग अपने मायके जा रहे हैं, तो मायके जाने के लिए तैयारी हो रही है सब कुछ। मतलब मैं मायके जा रही हूँ, नेगी जी अपने ससुराल जा रहे हैं और शुभ जा रही है अपने नानी घर, अपने नानी घर। और पापा गोभी तोड़ने के लिए जा रहे हैं, दिखाती हूँ आपको। ये रहे पापा। ये रही पत्ता गोभी अपने खेत की, फ्रेश फ्रेश। लेकिन ये मूली गोल वाली तो काफी बड़ी हो रही है पापा, और मीठी भी हो रही है, मुलायम भी बहुत ज्यादा हो रही है खाने में ना, सलाद में भी अच्छी लग रही है। तो अभी मैं और मम्मी ना वहाँ पे अम्मा की नातनी को देखने के लिए जा रहे हैं। मतलब परसों देखा था लेकिन उतने अच्छे से नहीं देखा था, तो आज देखने के लिए जा रहे हैं हम। हाँ हाँ सही कह रहे हो, हमें जाना भी यार, अभी 1 बजे की गाड़ी से भी पैकिंग हमारी अधूरी हो रही है, पूरी पूरी नहीं हुई है। अम्मा पलाक, अम्मा पलाक, अम्मा ऊपर से। आप डेग लेके जो क्यों जा रहे हैं? अच्छा अम्मा का डेग है ये, अरदाले वाला। अच्छा देखो यहाँ टमाटर भी टूटते जा रहे हैं, मतलब पापा ने आधे तोड़े होंगे, आधे और तोड़ने हैं, मतलब अब पकते जा रहे हैं ना, एक एक दो 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 तीन तीन दिन छोड़ के तोड़ने पड़ते हैं यहाँ पे टमाटर आज ना। हाँ दिख रहे हैं लाल, क्योंकि कब जा रही माइकी? मैं आज भी तो जा रही हूँ 1 बजे वाली गाड़ी में। बस से जा रहे हो? हाँ बस से जा रहे हैं। अम्मा मुझे जबरदस्ती बोल रही है कि आना आना, अब देखते हैं क्या होता है। और बुआ यहाँ पे पेड़ा बांट रही है, नहीं पेड़ा पैक कर रही है। अब बुआ का मन कारोबार में नहीं है, सिलाई में बिल्कुल नहीं है, भूख नहीं है। अब बुआ यही रहना, बुआ मैं फिर नहीं अच्छा मान रही है, मेरे को लग रहा है परसों हॉस्पिटल से जबरदस्ती लाई, परसों जबरदस्ती नामकरण में भेजा जबरदस्ती। हम तो बेबी को देख के आ गए, अब चलते हैं सीधा पैकिंग करनी है। टाइम पता कितना हो गया है? 11:45 हो गया, और 1 बजे की बस है हमारी, तो चलते हैं सीधा। हाँ अब क्या कहते हैं, नामकरण है 25 तारीख को, और अम्मा लोग और चाची सब लोग काफी जिद कर रहे थे कि नामकरण में आना आना आना। अब देखते हैं क्या होता है, अभी कुछ नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि क्या है शुभी को अकेले छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहता है मेरे लिए। देखेंगे फिर क्या होता है, अभी कुछ भी नहीं कह सकते। तो बहुत ज्यादा लेट हो गया था तैयार होने में, पैकिंग करने में, तो जा रहे हैं। ठीक है मम्मी, बाय। हाँ तो फाइनल सीट भी मिल चुकी है, तेरा शुभ है कहाँ पे? झूला सा पीछे है, इतनी जल्दी गाजी में बैठे हैं ना आज, मतलब इतनी ज्यादा जल्दी गाजी पर कभी नहीं हुई, बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी हमें, बस आ गई थी। तो अभी हम लोग पहुँच गए काला डूंगी पे, काला डूंगी क्रॉस कर ली है। तो पापा को कॉल कर दिया मैंने, वो हमें कमल लगाचा लेने के लिए आएंगे। तू भी सोई हुई है आराम से, पूरा कवर करके रखा मैंने इसे। आज तो घर से ना बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि इतनी जल्दी मतलब इतना सब कुछ इतना जल्दीबाजी में हुआ ना, मोबाइल देखने का तो टाइम ही नहीं मिला। तो पहुँच गए हम कमल लगाचा पे, मम्मी पापा आए हैं लेने के लिए। चलो चलो शुभ को अच्छा लगता है बेबी करियर में, और नींद भी आ जाती है शुभ को, रास्ते पर सो के आई थी। तो पहुंच गए घर पे, मम्मी उतर गई, निकी जी भी उतर गए। ये हमारे उसमें पहाड़ी में कहते हैं चखा मत, क्या कहते हैं, बुरी नजर से दूर करने के लिए बच्चों को, खिचड़ी घुमा रहे हैं। हेलो हेलो चिबो, तो कहाँ गए हो यार? ये क्या बोला, हमने पापा को पैसा मिल लग गया शिबू?
शुभू हमको तो आप कोई पूछ ही नहीं रहा, शुभू हमको तो कोई पूछ ही नहीं रहा, आप ही को पूछ रहे हैं सब। कुछ नहीं मिलेगा, पानी जैसे भवानी भवानी माँ जय गुरु। हाँ तो यहाँ पर मम्मी हमारे लिए पकौड़ी बनाने की तैयारी कर रही है जीरा, और सच में मुझे भूख भी लग गई क्योंकि इतनी जल्दीबाजी में आए ना तो मैं खाना भाई छोड़ के आई। नेक्स्ट जी ने तो फिर भी खा लिया था, मैंने इतना सा भी नहीं खाया खाना। ये देखो क्या बात हो रही है पापा बेटी में, पापा बेटी में क्या क्या बातें हो रही है, शुभ डैडू के साथ क्या बातें हो रही है, नानी घर आ गए, नानी घर देख रहे मेरे बच्चा। नाना नानी को ना शुभ ने पहचान लिया था एकदम से, मतलब हंसने लग गई थी, और वैसे तो रोज आती है किसी को भी नए को देखते ना तो रोज आती है। ये दोनों लगे हुए हैं और वहाँ किचन में मम्मी पापा पकौड़ी फल वल पता नहीं क्या क्या काम करने में लगे हुए हैं, दोनों काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो पकौड़ियाँ और कॉफी बनके तैयार हो गई है, मम्मी कॉफी लेके आ रही है, और ये रही गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। वाह सच में भूख भी लगी थी यार मुझे तो। और ये मिर्च वाली बना रखी है अलग से थोड़ी सी। हाँ। अच्छा हाँ ये मेरे लिए नहीं है, ये ना अलग से मम्मी ने मतलब साबुत हरी मिर्च को मतलब काट करके ऐसे बना रखी है, और चारों के लिए कॉफी है। कॉफी तो मेरे भाई है नहीं नहीं ऐसी सही है, आप ले आओ उनको चाहिए वहाँ पर सॉस, मुझे ना बिना सॉस का ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर हरी चटनी हो ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ तो अभी टाइम हो रहा है 5:15 हो गया है, और निकी जी की आंख ना बहुत ज्यादा सूज गई थी, मत करो मत करो। पलके हाँ दिखाओ, ये अभी दिखा के लाए रहे तो दवाई लेके आए हुए हैं, ये अभी ठंडे पानी से छपछपाने के लिए बोला था, ठंडे पानी से छपछपा रखा है, और ये कैप्सूल टाइप की तरीके से आँख में डालना है एक सुबह और शाम को, और ये दवाई खानी है एक भी सुबह शाम, और ये दो गोलियाँ ही पेन किलर है शायद, एक सुबह और एक शाम को खानी है। पापा और अभी निकी जी गए थे दिखाने के लिए, देखते हैं। लेट जाओ, मैं आप लेट जाओ ना तब डाल दो, ऐसे कर लो ऐसे, ठीक है। वाह पापा से गुस्सा हो गया। शुभ पापा से गुस्सा है, शुभ पापा से गुस्सा है, पापा बार बार किसी कर दे रहे हैं। फिर से डाल तो पापा को। तो मम्मी पापा खाना बनाने में लगे हुए, 6:30 बज गया, फिर से ले लेता हूँ इनको। देखो इतना परेशान कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो पापा, क्यों परेशान कर रहे हो। तो चलिए फिर आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, ओके बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, बाय शुभू, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। हाँ उसको भूख लगी है आप बाय।